मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अमानवीयता की हदें पार कर देने वाले मामले का खुलासा हुआ है, जहां एक भील शख्स को चोरी के शक में बुरी तरह पीटा गया, फिर उसे पिकअप वाहन के पीछे बांधकर रोड पर घसीटा गया, फिर भी मन नहीं भरा तो उसे लातों से पीटा, फिर पुलिस में सूचना देकर उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में पीड़ित ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मामला नीमच जिले के सिंगौली थाना क्षेत्र से सामने आया। पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में पता लगा कि लोगों ने शक के आधार पर पीड़ित के साथ बेरहमी की थी। बाड़दा गांव के रहने वाले कन्हैया नामक पीड़ित को बुरी तरह पीटने के साथ ही पिकअप वाहन से घसीटा भी गया। उसे घायल अवस्था में ही लातों से पीटा गया। पीड़ित को पीटने वाले लोगों ने डायल 100 को सूचना देकर बुलाया। लोगों ने कहा कि उन्होंने चोर को पकड़ा है। पुलिस ने पहुंचकर पीड़ित को नीमच जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपियों ने खुद की वारदात का वीडियो भी बनाया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कन्हैया मरने से पहले लोगों में रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी और गालियां देते हुए उसके साथ बेरहमी दिखाई। एक के बाद एक जिले से मौके मिला उसके साथ बर्बरता की। अंजाम यह हुआ, पीड़ित की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। मामले में आरोपी महेंद्र गुर्जर की पत्नी वाणदा क्षेत्र से सरपंच बताई गई है। 8 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।